हेलो एवरीवन, मैं ध्वनि आप सबका स्वागत करती हूँ तल्ला दलाल के किचन में। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग रेसिपी बनाने वाले हैं जिसका नाम है चीजी गार्लिक पुलापाट फ्रेंच ब्रेड। तो चीजी गार्लिक पुलापाट फ्रेंच ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना बटर और हर्ब का मिक्सचर बनाएंगे। उसके लिए लेते हैं बहुत सारा बटर एक बोल में, जैसे कि नाम में है गार्लिक ब्रेड तो हम लोग लेंगे बहुत सारी गार्लिक पेस्ट, और हर्ब के फ्लेवर के लिए लेंगे बहुत सारा ऑरिगेनो। इसे अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। एक बार ये मिक्सचर रेडी हो जाए फिर हम इसे फ्रेंच ब्रेड को अच्छे से कट करके फिर लगाएंगे। यहाँ पे मैंने एकदम सॉफ्ट बटर यूज़ किया है ताकि ये एकदम इजीली मिक्स हो जाए। अगर ज़्यादा मेल्टेड बटर होगा या ज़्यादा कड़क बटर होगा तो बहुत अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो चलो अब मैं दिखाती हूँ कि फ्रेंच ब्रेड को कट कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने एक फ्रेंच ब्रेड लिया है, इसे एक ब्रेड नाइफ की मदद से मैं इसे हॉरिजॉन्टली स्लिट करूँगी। इसे स्लिट करते टाइम ये ध्यान रखना है कि ये काफ़ी अंदर तक कट हो, पर इसे पूरा दो भाग में भी हमें नहीं काटना है। एक बार ये हॉरिजॉन्टली स्लिट हो जाए फिर अब हम इसे डायगनली स्लिट करेंगे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे करेंगे ताकि हमें अच्छी बड़ी क्यूब्स मिले। तो देखिए हमारा ब्रेड अच्छी तरीके से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्लिट हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ नीचे, ये देखिए नीचे से पूरा एक है। इसी तरीके से इसको नीचे से ज़रा भी कट नहीं करना है। एक बार ये कट हो जाए फिर अब हम एक बटर नाइफ की मदद से इसमें बटर और हर्ब का जो मिक्सचर बनाया है वो लगाते हैं। बटर लगाने के पहले मैं इसे हल्के हाथ से थोड़ा इस तरीके से लूज कर दूंगी ताकि हमारा नाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से ईजिली इसमें घूमे। तो अब हम लेंगे बटर और हर्ब का मिक्सचर और इस तरीके से उसे अच्छे से लगा देंगे। तो ये बटर हॉरिजॉन्टली तो अच्छे से लग गया है, तो अभी हमने जो वर्टिकली स्लिट किया है उसमें भी हम बटर लगा देते हैं। अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। तो ये आखिरी डायगोनल स्लिट में भी हमने बटर लगा दिया है। एक बार ये बटर लग जाए अच्छे से तो इसमें बाकी है सिर्फ बहुत सारा ग्रेटेड चीज डालना। तो चलो अब वो डालते हैं। वापस जो हमने हॉरिजॉन्टली स्लिट किया है उसमें पहले बहुत सारा चीज डालेंगे। संभाल के डालिए ताकि आपका ब्रेड दो भाग में बट ना जाए। तो जो हॉरिजॉन्टली स्लिट किया था उसमें डाल दिया है, तो अब बारी है वापस से जो वर्टिकल स्लिट्स किए हैं उसमें डालते हैं चीज। तो आप देख सकते हैं ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है। अभी बाकी है तो सिर्फ इसे बेक करना, और जबकि ये ब्रेड है, बटर है, हर्ब्स है और चीज़ है, तो इसे टेस्ट तो अच्छा करना ही है। तो चलो चलते हैं इसे बेक करने 200 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स हो गई है और ये ब्रेड अच्छे से बेक हो गया है। आप देख सकते हैं कि चीज़ कितना मेल्ट हो गया है और गार्लिक और हर्ब्स की क्या स्मेल आ रही है। अब मैं इसे अच्छे से पुल करके आपको दिखाती हूँ। वाव, आप देख सकते हैं ये कितना बटरी, चीज़ी और इतना टेम्पटिंग लग रहा है। तो आप जल्दी से जाइए, ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, इसे बनाने में ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। अब जनरली गार्लिक ब्रेड बनाते हैं पार्टीज़ के लिए, पर ये कुछ नया है गार्लिक ब्रेड का वर्जन, जिसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और आई एम श्योर कि आप सबको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। Download the Talla Dalal app on your Apple and Android devices. Follow us on the Facebook at talladalal.com.